गुड मॉर्निंग। आज हम अल्कोहल से रिलेटेड जो है कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म का यूज़ करेंगे, वो क्या कहलाती हैं। तो सबसे पहले ये वुड अल्कोहल है, इसको आप वुड स्प्रिट भी बोलते हैं। ये मिथेनॉल कहलाता है, इसका फॉर्मूला CH3OH होता है, इसको आप मिथेनॉल भी बोलते हो। ये इसको हम कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं, तो जो हमारा वुड होता है तो वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम मिथेनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, मिथेनॉल को ऑप्टेन कर सकते हैं। फिर सेकेंड नंबर जो होता है वो हमारा ग्रेन अल्कोहल कहलाता है, इसका फॉर्मूला CH3CH2OH, या इसको हम कंबाइन करें तो C2 हो जाएगा और H कितने हो जाएंगे, 5 और OH, C2H5OH। इसका IUPAC नेम जो होता है वो इथेनॉल होता है, और अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो ये इथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम होगा। इसको हम ऑप्टेन कैसे कर सकते हैं, तो जो हमारा शुगर है, जो हमारा फ्रूट होता है, उसका फर्मेंटेशन जब हम करते हैं तो ग्रेन अल्कोहल ऑप्टेन हो जाता है। फिर थर्ड नंबर जो है वो रबिंग अल्कोहल कहलाता है, इसका फॉर्मूला CH3CHOHCH3 होता है, ये 2-propanol कहलाता है, या इसको हम आइसोप्रोपेनॉल बोलते हैं। इसका यूज जो है वो कहाँ किया जाता है, तो इट इज यूज्ड फॉर रब डाउन, तो रब डाउन में इसका यूज किया जाता है, इसके एवोपरेशन से जो फीवर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो जब हमको बहुत तेज फीवर आए तो माथे पे जो है गीली पट्टी करके, तो गीली पट्टी किसकी की जाती है, ये रबिंग अल्कोहल की, रबिंग अल्कोहल में उस पट्टी को डुबाते हैं और माथे पे लगाते हैं, तो फीवर जो होता है उसका टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसका एवोपरेशन फास्ट होता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल, ये 100% इथेनॉल कहलाता है, 100% इथेनॉल मतलब इसमें वाटर का अमाउंट जो है वो 0% होता है, 0% वाटर। तो प्योर अल्कोहल जो होता है उसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। इसको हम कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं, तो जो हमारा रेक्टिफाइड स्प्रिट होता है जिसमें इथेनॉल 95% एंड वाटर 5% होता है, उसके एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से हम एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है वो ऑप्टेन करते हैं। अब इसके बाद रेक्टिफाइड स्प्रिट ये क्या होता है, तो ये मिक्सचर होता है, ये इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, जब हम इसको 95% और 5% के रेशियो में मिक्स करते हैं तो रेक्टिफाइड स्प्रिट जो है वो बनता है। अगर हम मोर करेक्ट रेशियो की बात करें तो ये 95.6% होता है और ये 4.4% होता है, तो ये रेक्टिफाइड स्प्रिट जो है वो बनता है। रेक्टिफाइड स्प्रिट जो होता है ये कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहलाता है, ये कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहलाता है, और ये जो मिक्सचर होता है वो 78.13 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है विदाउट चेंजिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, और ये 78.13 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉइल होता रहता है। फिर इसके बाद आता है पावर अल्कोहल, तो पावर अल्कोहल का यूज जो होता है वो पेट्रोल की पावर को इन्हेंस करने के लिए हम यूज करते हैं, पेट्रोल की पावर को बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो पेट्रोल 80% और इसमें जब हम 20% एब्सोल्यूट अल्कोहल मिक्स कर देते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब 100% इथेनॉल जब मिक्स कर देते हैं 20%, तो हमारा पावर अल्कोहल जो है वो कहलाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।